नमस्कार। और अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो इंडियन फुटबॉल में भैया एकदम माहौल बना हुआ है, अफरा तफरी का एकदम होड़ लगी हुई है और दो ग्रुप बन चुके हैं। अब वो दो ग्रुप कैसे बन गए, तो एक ग्रुप जो है वो FSDL का बन गया है, मतलब FSDL मतलब ISL की, FSDL ISL के सपोर्ट वाले जो जितने भी लोग हैं, बड़े लोग, छोटे लोग, फैंस लोग, जो भी है, वो सब FSDL ग्रुप, ठीक है। और एक ग्रुप बन गया आई लीग ओनर्स, जो चाहते हैं कि आई लीग टॉप पर रहें, तो वो ज़्यादा नहीं है, वो कुछ ही है, मतलब सब आई लीग ओनर्स भी नहीं है उस पक्ष में कि हाँ आई लीग को टॉप पे करो, ऐसा सब नहीं है, है ना, जो कुछ है। तो उनका एक ग्रुप बन गया और उनके जो सपोर्ट में है वो उनका एक ग्रुप और एक ग्रुप, ठीक है। अब वो बोलेंगे मैं किस ग्रुप में भैया, तो मैं भी किसी ग्रुप ग्रुप में नहीं हूँ, ठीक है, मैं हूँ इंडियन फुटबॉल के ग्रुप में, ठीक है। इंडियन फुटबॉल का भला जहाँ होगा, हम हमारे झंडा लेके उधर चल पड़ेंगे ना, झोला उठाएंगे उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, जो इंडियन फुटबॉल का भला कर रहा होगा, जो इंडियन फुटबॉल के हितों को देख रहा होगा, जहाँ से इंडियन फुटबॉल को बेनिफिट मिल रहा होगा, हम भैया वहाँ जाएंगे, वहाँ से जिंदाबाद करेंगे, ठीक है। अब आप जहाँ जाना चाहते हैं आप भी जा सकते हैं भैया, ठीक है। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं दो, ठीक है। अब ये ग्रुप क्यों बने, तो ग्रुप ऐसे बने कि देखिए एक लीग थी आई लीग, इंडिया की टॉप लीग, ठीक है। अब उतने में क्या होता है कि एक पैसे वाले लोग आते हैं, वो एक अपनी नई लीग लेके आ जाते हैं कि भैया आप हम चलाएंगे, हम करेंगे। तो जो आई लीग में टॉप मेरिट, जो इतना कुछ जीते थे, इतना कुछ किया, इतना वर्क किया था इंडियन फुटबॉल के लिए, उनको अचानक से सेकंड क्लास का दर्जा मिल गया। मतलब कि क्या होता है कि जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, है ना, आप एसी में ट्रेवल कर रहे हो, फर्स्ट एसी में, उतने में TTI आपको दो तमाचे मारे और आपको बोले जा चल जनरल में जा, तो बुरा लगेगा आपको दिल से, है ना। तो ऐसे ही कुछ हुआ। लेकिन अभी क्या था कि अपग्रेड करने की बात थी, कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा समय के साथ। तो आप सोचिए कि ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, बेंगलुरु FC, ये भी बहुत बड़े क्लब है, बहुत बड़े क्लब है, आपको पता है, इन्होंने भी वो चीज़ को समझा कि यार समय के साथ चलना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि समय को मैं अपने अनुसार चला लूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मोहन बगान ने भी वो चीज़ समझी, उन्होंने इन्वेस्टर की ढूंढा, मर्ज किया ATK के साथ, ISL में आ गए। ईस्ट बंगाल ने फाइनेंशियल ढूंढा, ISL में आ गए। बेंगलुरु FC, पार्थ जिंदल साहब पहले खुद ISL आई लीग बोलते थे, है ना, वो एक बार उन्होंने ट्वीट भी किया था कि किसी भी ISL की टीम से मैच करवा लो, बेंगलुरु FC का, ये वो बोला था। फिर बाद में उन्होंने ISL में एंट्री ली और ISL जीता। तो मतलब कि अपग्रेड किया समय के साथ। वहीं पर हमारे जो आई लीग क्लब्स हैं, उनका यह था कि भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही जो बजट भी ऐसे ही रखेंगे और टॉप पे भी रहेंगे, FC चैंपियंस लीग भी खेलना है हमको, ठीक है। तो भैया कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो पाएगा, मतलब है ना, डॉन को पकड़ना भी एक टाइम मुमकिन है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलेंगे कि हम अपग्रेड नहीं करके भी हम टॉप पे रहेंगे, तो ये तो थोड़ा नामुमकिन काम है भैया, ये मैं समझता हूँ। अभी क्या होता है कि जब ये बात हुई कि भैया ISL आई लीग अब टॉप किसको रहना है, क्योंकि COA में तो लिख दिया कि AIFF की पावर में जो रहेगा वो रहेगी टॉप, तो अब 35 फुटबॉल एसोसिएशन जो मेंबर्स थे वो सपोर्ट में चले गए FSDL के, मतलब कि ISL के, कि ISL को भैया टॉप पे रहना चाहिए। अब ये और बड़ा मसला हो गया कि जो आई लीग का ग्रुप था, जो आई लीग टॉप में रखने वाला ग्रुप था, उनके लिए एक और समस्या होगी कि 35 मेंबर्स जो है वो यार ISL के सपोर्ट में बोलने लग गया यार, ये तो एक और फिर से गाज गिर गई। अब इसमें एक अकेला स्टेट था जो कि सपोर्ट में था आई लीग के, अब वो एक्चुअल में स्टेट सपोर्ट में नहीं है, वो एक्चुअल में पर्सन सपोर्ट में, क्योंकि जो आई लीग ओनर है वही स्टेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है तो स्वाभाविक सी बात है वो तो चाहेगा ही, मतलब तो उन्होंने एज अ स्टेट वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया कि स्टेट भैया ISL के अपोज में, तभी ये सीन चल रहा है, ठीक है। तो अब मेरा इसमें क्या कहना है कि ISL का अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ISL को नहीं रहना चाहिए टॉप लीग, मतलब आई लीग को रहना चाहिए टॉप लीग, या जिसको भी रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कई खुलासे भी किए जा रहे हैं कि AIFF इतना प्रॉफिट दे रहा है इसको, इतना ये दे रहा है, उतना उधर। अब एक्चुअली में मैं एक बात बताता हूँ ना, मेरे को कितना कहाँ क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, मेरे को कोई मतलब है, और मैं समझता हूँ आपको भी इससे कोई मतलब नहीं है, कौन कितना प्रॉफिट खा रहा है, कितना क्या कर रहा है, उससे आपको भी कोई मतलब नहीं है। आपको किस चीज़ से मतलब है बताऊँ, आपको, मेरे को और हमारे जैसे जितने भी अपने सब भाई लोग, इनको मतलब यह है कि इंडियन फुटबॉल ग्रो कैसे हो रहा है, इंडियन फुटबॉल ग्रो कहाँ से होगा, इंडियन फुटबॉल ग्रो कौन करेगा, इन सब चीज़ों से मतलब है एक्चुअली। कौन कितना प्रॉफिट, कौन कितना कमाए, इससे आपको भी कोई मतलब नहीं, मेरे को भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आपको मतलब है तो कमेंट में बता दीजिएगा, बाकी मेरे को खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। AIFF को वो कितना पैसा दे रहा है, कितने की डील हुई, अबे मेरे घर में तो 1 रुपये भी नहीं आ रहा है ना, अपने को तो इंडियन फुटबॉल से मतलब है, क्योंकि हम प्राउड करते हैं इंडियन फुटबॉल के लिए,
है ना, इससे थोड़ी ना प्राउड करते कि एफएसडीएल ने डील कर ली, आईएफएफ को इतने पैसे देगा, तो हाँ भैया ये तो बहुत प्राउड का मूवमेंट है, एफएसडीएल की डील हो गई आईएफएफ से। अब उससे हमको क्या करना, हमको इससे करना है कि कौन कर रहा है भारतीय फुटबॉल के लिए अच्छा, तो कौन कर रहा है वो आपको भी दिख रहा है। अब इसका जो अपोज हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, 2019 में ये चीज फाइनल हुई थी, ठीक है। अब यहां पर आपको एक फोटो दिख रही होगी, इसमें जो अपोज कर रहा है वो भी इस फोटो में है, मतलब ये भी वहां मौजूद थे, तो इनके सामने ही वो एग्रीमेंट सब हुआ ना, साइन वगैरह जो भी इनके सामने हुआ। अब इसमें जैसे कि बोला गया है कि हमने साइन नहीं किया है ना, हमने साइन नहीं किया गया है, ये एएफएफ ने अपने मन से कर दिया, ऐसा भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने कोर्ट में भी नहीं गए, उस टाइम कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे अगेंस्ट है ना, हमको दबाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया, उस टाइम स्वीकार कर लिया। फिर 2022 में आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार हाँ अब मौका है, अब बोलना चाहिए, अब है सही मौका, है ना। वो भारत में एक चीज़ है कि आपदा को अवसर में बनाया जाए तो आपदा आई कि भैया फीफा बैन वाला केस भी है, अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा है, प्रेसिडेंट भी नया बनेगा, इस चीज़ को डाल दो, इस चीज़ को बोल दो, तो ये है सीन। और अभी एक और चीज़ है कि अभी एक और एक ऐसी सिचुएशन खुद ही मनगणना ऐसी बनी है कि अगर आप ISL और FSDL के सपोर्ट में होते हो तो आप करप्टेड हो ये जान लो, तो आप करप्टेड हो क्या मतलब अगर आप FSDL के सपोर्ट में बोलोगे, ISL के सपोर्ट में बोलोगे, तो आप करप्टेड हो जाओगे, मतलब ऐसा ये भी एक आ गई है बात, ठीक है। तो अब देख लो भैया आप ठीक है, ये भी अब आप पे मैं छोड़ देता हूँ। तो मतलब काफ़ी चीज़ें उठ के आ रही है। तो मेरा तो भैया देखो, मेरा ये मत है, मतलब आपका भी यही मत है कि आप चाहते हैं इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ करना, है ना, आप चाहते हैं इंडियन फुटबॉल को फीफा वर्ल्ड कप में देखना, ये हमारे जितने भी भाई लोग हैं इंडियन टीम में जाकर मेहनत करते हैं जो भविष्य में आने वाले हैं, आप इनके बारे में सोचते हैं कि इनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इनके लिए क्या होना चाहिए। तो असल में एक भारतीय फुटबॉल फैन क्या चाहता है कि आपको जो लीग टॉप पर रखना रखो, आपको आई लीग टॉप पर रखना रखो, लेकिन उसकी क्वालिटी ISL जैसी करो, उसमें जैसे ISL में इतनी क्वालिटी है ना, ISL में इतना उसकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, वैसा आप आई लीग के लिए भी करो फिर, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अब इसके लिए आप जैसे FSDL बोलेंगे, जैसे अंबानी साहब हो गया, तो अब ऐसे आई लीग के लिए आप कोई कुछ ढूंढो, अडानी साहब को पकड़ो और वैसा फिर आई लीग को करो, कि यही फिर रास्ता है। आप बोलेंगे आई लीग को टॉप लीग बनाना है, तो आपको उतनी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, अगर कर सकते हैं तो करो, कर लो भैया। हम हमारा काम है, हम भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करना हमारा काम है, ठीक है। अगर आप आई लीग को ISL के लेवल से ऊपर लेके जा सकते हो तो ले जाओ ना, हम तो बैठे हैं, हम तो सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं ले जा सकते और आप जो अच्छा कर रहा है उसके खिलाफ भी आप उसकी भी बजाने में लगे पड़ोगे, तो भैया फिर ये तो सही बात नहीं है। और अगर आपको ऐसी लगता है कि FSDL ये सब करप्टेड है, इनके समर्थन वाले लोग भी करप्टेड है, तो आप एक ऐसी मुहिम चलाइए कि AFF और FSDL की जो पार्टनरशिप है, उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो टूट जाए, है ना, वो खत्म हो जाए, और उसमें जो AFF को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो AFF को स्वाभाविक सी बात है FSDL कोर्ट में जाएगा, केस करेगा कि इनने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इनके साथ हमारी डील थी, तो उसके बदले हमको पैसे दो। तो AFF को जो पैसे देना पड़ेगा FSDL को, वो पैसे जो है ये जो ग्रुप है ये ग्रुप पे करेगा, ठीक है, ऐसा भी रखो फिर, ठीक है। तो आपकी बात भी 16 ने फिर मानी जाएगी बिल्कुल टक एकदम, कोई चिंता नहीं, नहीं तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा कि हाँ दो तरफा बात नहीं चलेगी फिर, है ना, कि आपको सब चाहिए और फिर एट द एंड तो फिर AFF का भी बीड़ा करके होगा ना, क्योंकि FSDL मारेगा फिर, है ना, मारेगा उसके ऊपर केस, फिर उनको पैसा देना पड़ेगा तो उसके लिए फिर रेडी रहने का। और एक चीज़ है जिससे मैं सहमत होता हूँ कि कहना है कि आई लीग के प्लेयर्स को इंडिया कैंप वगैरह और है ना इंडिया टीम के सिलेक्शंस के लिए कैंप में नहीं बुलाया था, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भैया आई लीग में भी जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं तो आई लीग में भी स्काउटिंग होना चाहिए, क्योंकि आई लीग में भी आपको अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं कुछ कुछ, मतलब बहुत ही रेयर नंबर बोल सकते हैं, तो कुछ प्लेयर्स को एटलीस्ट कैंप में बुलाना चाहिए, उसके लिए मैं सहमत हूँ, क्योंकि भैया ये प्लेयर के फायदे की बात है, तो प्लेयर के फायदे की बात के लिए तो हम सहमत हैं, और हमारे जितने भी सदस्य हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के वो भी सहमत रहते हैं प्लेयर का फायदा, क्योंकि इंडियन फुटबॉल का फायदा होगा ना प्लेयर के फायदे से, तो उसके लिए बिल्कुल सहमत है। लेकिन अगर आप बाकी चीज़ बोलेंगे कि ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें, उससे तो हम सहमत नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी ये सीन चल रहा है ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। तो जो 35 एसोसिएशन है हमारे देश के, स्टेट एसोसिएशन 35 है, मतलब कि इसके सपोर्ट में ISL टॉप पे रहना चाहिए, और बाकी तो भैया सब चीज़ें आप सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, कि वो क्या फैसला देते हैं, क्या जो भी है वही है। और यहाँ पर मैं टोटली एक चीज़ भी समझता हूँ कि यहाँ पर है ना क्या है ना,
पैसा, पावर, रेपुटेशन, वो सब चीज़ें की भी बात आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, आप इतने साल से आपने इंडियन फुटबॉल के लिए काम कर रहा है, इतना सब कुछ किया, और आपको एकदम से सडनली आपको सेकंड क्लास का दर्जा दिया जाएगा, तो आपका जो रेपुटेशन, आपकी इमेज, वो सब चीज़ें भी घट रही है, आप क्यों चाहेंगे ऐसा? तो ये भी है मसला, मतलब इसमें आप इसको गिन सकते हो, ये भी एक चीज़ है। क्योंकि देखिए, पैसा, पावर और रेपुटेशन, मतलब इज्जत, सबको चाहिए भाई, है ना, सबको वो लेवल चाहिए, और उसके लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो यही मसला भी है ना, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो इस पूरे मसले को, ये जो चल रहा है, ये है ना, ये जो लड़ाई चल रही है, इसको आप लड़ाई बोल सकते हो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब कि जो दो ग्रुप बन गए, ये सब चीज़ें आप किस तरह से देखते हैं? ये हमारे भारतीय फुटबॉल के लिए अच्छा करने की कोशिश है, या भारतीय फुटबॉल को नीचे करने की कोशिश है? जिस भी तरह से आप इस पूरी, है ना, पूरे माहौल को देख रहे हैं, मैं आपकी राय इसके ऊपर जानना चाहूँगा, ठीक है? तो आपकी जो भी टिप्पणी है, जो भी ओपिनियन है, वो आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।